मिला था। मैं बहुत नर्वस हूँ बिकॉज हमारे देश में जिस तरीके से फिल्में बनाते हैं वो बहुत फास्ट पेस होती है, एजी होती है, और ये जो बंदा है ये फ्रांस से है, ये हमारे डायरेक्टर साहब है पियर, यहाँ पे जो म्यूज़िक दिया है वो यू नो मैक्सिम का म्यूज़िक है, बहुत खूबसूरत मूव है, एलेक्स भी है जो DOP है रहे हैं, तो इनकी जो परख है या जो समझ है सिनेमा की वो बहुत अलग है, और एक फास्ट पेस्ड यू नो बॉलीवुड मुंबई स्टाइल का फिल्म से हट के एक बहुत ही स्लो डॉक्यूमेंट्री जहाँ पे आप बहुत गहराई के अंदर जाते हो, जो ठहराव दिखाते हो, द साइलेंसेस, ये बहुत ऑडियंस के लिए पता नहीं वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से वो मेरे दोस्त जिनको मैंने बुलाया वो शायद बोलेंगे क्या यार तूने क्या दिखा दिया, सो आई फेल्ट इट्स डिफरेंट, बट उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट थी बिकॉज वो उनको लगता है कि यही लाइफ है, लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज द रश, इट इज़ ऑल्सो द कॉन्ट्रास्ट, जो अंदर की बातें हैं जब आप अपने आप में चले जाते हो, तो वो वाली चीज़ें जो हैं जो उन्होंने में देखी और उन्हें लगा कि इसमें ज़्यादा गहराई है, और जो मैं दिखाता हूँ टीवी पे वो एक अलग पहलू है, वो टीवी के लिए बनता है, वो एंटरटेनिंग के लिए है, लेकिन एक नॉन एंटरटेनिंग साइड भी होता है जहाँ पे आप अपने आप में रहते हो और वो भी एक सच होता है, तो वो सच को पियर ने दिखाने की कोशिश की है, सो आई एम नर्वस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पियर जो है मैं इसको जानता भी नहीं था, हर साल मैं डांस सिखाने जाता हूँ वियना ऑस्ट्रिया, और वहाँ पर जाके क्या हुआ कि उसके बाद मैं एक दो हफ्ते के लिए यू नो हॉलीडेज करता हूँ, तो मैं एक कंट्री चूज़ करता हूँ या सिटी चूज़ करता हूँ, तो मैंने एक जगह चूज़ की थी कॉर्सिका, वहाँ पर जाके एक आइलैंड है, फ्रेंच आइलैंड है, तो वहाँ पर गया, होटल बुक किया था, लेकिन जहाँ पे गया 6 बजे शाम के थे, उन्होंने बोला कि आपकी बुकिंग कैंसिल हो गई क्योंकि हमने किसी और को दे दिया, और वहाँ पर एक भी होटल फ्री नहीं था, तो फिर वो रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि ठीक है मुझे अब बहुत तरस आ रहा है, हमारे पास एक कैंप साइट है वहाँ पर, अगर आपको यू नो रात गुजारनी है तो आप जा सकते हो, मेरे पास और कुछ चारा नहीं है, मैंने कभी कैंप पर रहा नहीं हूँ, और उन्होंने बोला कि ठीक है मैं हमारे मेरे कुछ दोस्त भी है जो वहाँ कैंप साइट पर रह रहे हैं तो तुम भी उनके साथ रह सकते हो, वो दोस्त थे पियर, उनकी दोस्त, और वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और मुझे समझ में आया कि वो भी डायरेक्टर हैं, फ्रेंच डायरेक्टर हैं, यंग हैं, और वहाँ से हमारी मुलाकात ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि उन्होंने उनको अंदाज़ा नहीं था कि इंडिया में क्या होता है और मैं कौन हूँ, जब वो इंडिया आए थे मैंने कुछ बताया नहीं था, फिर उनको समझ में आया कि अच्छा मैं एक यू नो लोग मुझे जानते हैं, तो उनको बहुत फनी लगा ये पूरा प्रोसेस, और उनको लगा कि यू नो वी शुड यू नो एक्सप्लोर दिस साइड बिकॉज दिस इज़ वेरी डिफरेंट फॉर फ्रांस एंड फॉर फ्रेंच सिनेमा, so he explored that angle of it and he enjoyed shooting, he followed me around for almost 1.5 years, 3 months, aur kabhi kabhi wo mere set pe aa jata tha achanak and I would be like aap kya kar rahe ho yahan pe, kabhi kabhi main you know shows karne jata tha to mujhe pata bhi nahi tha ki wo wahan pe tapak aa jata tha, bolte mujhe shoot karna hai ki piche kya hota hai, gaane ke piche kya hota hai, shooting ke piche kya hota hai, so it's in that zone. Okay, sorry, what do you want to say about our meeting and how what this film is about? Okay. Yeah, at the beginning, when I proposed to Terence to make a documentary about him, he was thinking that I wanted to shoot him in TV shows, performing, etc. And me, I told him, Terence, me, I want to shoot you when you are alone in your car, alone walking in a park, alone at your flat. And he told me, are you serious? And I said, yeah, it's exactly what interests me. Actually, I wanted to show a part that I knew because I was close to Terence. He was like a brother for me. And I had time in Mumbai with him, like a friend, and I saw a lot of things very interesting. And I told him, Terence, me, I am very interested only in the parts that people don't know. So during 3 months, he was very surprised that sometimes I was shooting him behind him in a park, what are you doing? No, Terence, it's very interesting. Let me, trust me. And he trusts me, actually. And I think the movie talks about the parts of Terence. And it could be another guy, another star, actually. It could be you, it could be us. Because we have all... those emotions and those feelings. Exactly. We have all a private... life. Exactly. And Terence in this movie have let me show it, so
Thank you, yeah. Yeah, it is an honest and also a very vulnerable side of mine. Ki jo hum shayad or without, you know, makeup, hair, lights, just the simplicity of it all. To wo, it's the most simple Terrence that you probably, that is probably only my close people know. So I think it's going to be interesting, and sometimes it's also important to make people realize ki ye glamour ke piche ek insaan hai jo ekdam bahut hi sadgi mein rehta hai, and you know, I enjoy the simple things in life. डांस रियलिटी भी है लेकिन एक तरफा का यू नो इट्स अ क्रिएटेड रियलिटी और लाइफ जो हम जीते हैं द लाइफ दैट वी लिव इज नॉट क्रिएटेड इट जस्ट हैपेंस सो वी आर बॉर्न टू इट सो आई थिंक देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंस देयर डांस इज अ क्रिएटेड रियलिटी हम क्रिएट करते हैं और जो लाइफ हम जीते हैं इज ऑलरेडी क्रिएटेड विद इन अस तो फ्रॉम दैट एस्पेक्ट टू द रियलिटी ऑफ हु यू आर द कोर ऑफ यू जब ये सब फेम ग्लोरी जो भी है ये सब जब आपको मतलब इसके अलावा एक इंसान है अंदर वो इंसान इज वॉट वी वॉन्ट टू सी एवरी टाइम सो आई थिंक वी नीड टू गो बियॉन्ड द लेबल्स ये जो लेबल है कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ ये जो भी हो चाहे वो फेमस हो या नॉन फेमस हो वी ऑल हैव अ पर्सनैलिटी उस पर्सनैलिटी से परे एक इंसान अंदर बैठा है वो कुछ सोचता है वो फील करता है उसके एक वीकनेसेस होते हैं उसके एक यू नो वो जूझता है लाइफ से सो दोज आर द मोमेंट्स वी आर लुकिंग एट वेल ये दिस डॉक्यूमेंट्री इज शॉट बाय फ्रेंच डायरेक्टर पियर एंड म्यूजिक बाय मैक्सीन एंड डीओपी एलेक्स ये आने वाला है ऑन यूट्यूब ऑन 13th ऑफ अप्रैल सो इट्स गोइंग टू बी अ इंडिया रिलीज एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर इट पेरिस में ऑलरेडी हो चुका है द प्रीमियर दिस इज आवर इंडियन प्रीमियर थैंक यू या सॉरी थैंक्स या